वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर टेस्ट। आज हम बनाएंगे चिकन सूप, तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने की रेसिपी। चिकन सूप बनाने के लिए हम लिए हैं 300 ग्राम चिकन। चिकन हम हड्डियों वाला लिए हैं, जो जिस पार्ट में हड्डी हो वो वाला लें। कॉर्न एकदम फ्रेश वाला कॉर्न है एक मुट्ठी, और ये प्याज पत्ता का वाइट वाला पार्ट है ये भी एक मुट्ठी। बीन्स 7 से 8 बीन्स को हमने इस तरह से एकदम बारीक कट कर लिए हैं, और ये है गाजर, गाजर भी हमने एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं, एक छोटा सा गाजर है। और ये है ब्रोकली, ब्रोकली भी हमारी एक मुट्ठी है, ये भी हमने एकदम बारीक बारीक इस तरह कट कर लिए हैं। और एक हरी मिर्च और एक तेज़पत्ता, इसके हमने 2 टुकड़े तोड़ लिए हैं। और एक अंडा, और ये प्याज पत्ता का हरा वाला पार्ट है, इसको हमने अलग कट कर लिए हैं। और ये है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने इस तरह से एकदम बारीक घिस लिए हैं, और 7 से 8 लहसुन की कलियां उसे भी हमने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। एक बड़ी सी हमने जर्मन की मोटे तले की पतीली लिए हैं, और इसमें हम डाले हैं 2 चम्मच तेल, और ये मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता, और ये एक हरी मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन को हम हाई फ्लेम पर चला चला कर अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे, उसका पानी सूखने तक। 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने इसे चला चला कर भून लिए हैं। अच्छे से ये भून चुका है, इसका पानी भी सूख गया है। ये देखें हल्का हल्का नीचे अब पकड़ रहा है। अब गैस की फ्लेम हम स्लो से मीडियम के बीच में कर और इसे हम ढक देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर ढक कर पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुका है। हमारा चिकन देखिए, हमने ऑफ कैमरा भी 1-2 बार चम्मच चलाए थे, अच्छे से एकदम भून गया है और तेल छोड़ दिया है, और ये नीचे हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन पकड़ लिया है। लेकिन ये बिल्कुल घबराइए नहीं, पानी हम डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी, ये पानी हमारा मेजरमेंट से 1.5 लीटर पानी है। और इसमें डालूँगी मैं नमक, और इसे मैं फिर से ढक दूंगी। इसे हम मीडियम फ्लेम पे कम से कम 20 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पानी डालने के बाद हमने 20 मिनट पका लिए हैं। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और बहुत अच्छा स्टॉक तैयार हो गया है। अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे इस तरह से। इसमें जो भी चिकन है हम सब चिकन के पीसेस अलग निकाल लेंगे। अब इस स्टॉक को हम इसी पतीली में वापस से डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे हम ये सारी सब्जियां जो कट करके रखे हैं। सब्जियों को अब हम मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक पकने देंगे इसमें, ताकि अच्छे से सब्जियां गल जाएं, और तब तक हम अपने चिकन को हड्डियों से अच्छी तरह से इसे निकाल लेंगे। इसके जो रेसेस हैं ये पीस से निकाल लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा इसमें हमने डाले थे ये सब कुछ हम अलग कर देंगे। चिकन को हमने इस तरह से हड्डियों से अच्छी तरह से निकाल लिए हैं, हाथों से इसके रेसे अलग कर लिए हैं। और ये अदरक और लहसुन जो हम रखे थे, हमारे सब्जियों को डाले हुए 10 मिनट हुआ है, स्लो फ्लेम पर पक रहा है, मीडियम से स्लो के बीच में फ्लेम है। अब हम इसी में चिकन भी डाल देंगे, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से एकदम रस जाए। और इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन भी, और इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट के लिए, और इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अभी 10 मिनट और इन सब के साथ पकेगा। चिकन डालने के बाद हमने इसे 10 मिनट और पका लिए, यानी सब्जियां चिकन सब लेकर हमने 20 मिनट इसको पका लिए हैं। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर रहे हैं, और ये जो अंडा हमने एक दिखाए थे आपको, ये बीट करके रखे थे, हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि हमारा अंडा एक जगह जमे नहीं। और ये है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, इसे भी हमने पानी डालकर अच्छा सा घोल बना लिया है। इसे स्टार्टिंग में मैंने ही दिखाई थी, इसे भी डालेंगे ताकि हल्का सा गाढ़ा हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बस हल्का सा स्लरी बन जाए इसकी अच्छी सी। इसे चलाते रहेंगे लगातार, और इसमें डाल देंगे लास्ट में एकदम हम ये हरा प्याज का जो हरा वाला हिस्सा रहता है वो। देखें हमारा चिकन सूप अब तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे
इसे अब हम सर्व करेंगे। देखें बन के तैयार हो गया हमारा चिकन सूप, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये डिश होता है। इस सर्दियों में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।